यूं तो हम लोग सोनिया गांधी और उनके बच्चे राहुल और प्रियंका के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन आज प्रियंका के पति और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के बारे में जानेंगे। रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी की दोस्ती कैसे हुई, दोनों के प्रेम, शादी, सियासत और विवाद पर विस्तार से कहानी। रॉबर्ट वाड्रा का जन्म 18 मई 1969 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में हुआ। इनके पिता राजेंद्र वाड्रा और माता मौरिन वाड्रा हैं। ये स्कॉटिश मूल की रहने वाली हैं। पिता पीतल और लकड़ी के हस्तशिल्प का बिजनेस करते थे। बताया जाता है कि साल 2001 में वाड्रा की बहन मिशेल की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और कुछ साल बाद ही साल 2003 में इनके भाई ने आत्महत्या कर ली थी। 2009 में उनके पिता को दिल की बीमारी होने की वजह से मौत हो जाती है। काफी लंबे संघर्षों के बाद अब वाड्रा परिवार में उनकी माँ ही उनके साथ हैं। वाड्रा ने अपनी स्कूली पढ़ाई ब्रिटिश स्कूल नई दिल्ली से की हुई है। इन्होंने पिता की मौत के बाद पिता के कारोबार को फिर से शुरू किया। 1997 में ही वाड्रा ने आर्टेक्स नाम से एक हैंडीक्राफ्ट्स का बिजनेस शुरू किया। इन्होंने और भी कई सारे बिजनेस शुरू किए जिसमें रियल इस्टेट, होटल और चार्टर्ड एयरक्राफ्ट का बिजनेस था। रियल्टी फर्म डीएलएफ रियल इस्टेट में इनके पार्टनर थे। इनकी मां मौरीन उनकी कंपनियों स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी, स्काईलाइट रियल्टी, नॉर्थ इंडिया आईटी पार्क्स, रियल अर्थ एस्टेट्स और ब्लू ब्रिज ट्रेंडिंग में डायरेक्टर हैं। ये सारी कंपनियां नवंबर 2007 और जून 2008 के बीच रजिस्टर्ड कराई गई थी। अब अगर रॉबर्ट वाड्रा की पर्सनल लाइफ यानी शादी की बात करें तो दो बातें सामने आती हैं। एक तो ये कि रॉबर्ट वाड्रा की प्रियंका गांधी से मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के घर पर हुई थी। दोनों दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे और इसी पढ़ाई के बीच दोनों में दोस्ती होती है और बाद में ये दोस्ती शादी तक पहुंच जाती है और शादी हो जाती है। वहीं इनकी शादी को लेकर दूसरी बात ये कि रॉबर्ट वाड्रा की प्रियंका गांधी से मुलाकात साल 1985 में वाड्रा की बहन मिशेल वाड्रा के जरिए होती है। उस वक्त प्रियंका की उम्र सिर्फ 13 साल थी। वाड्रा ने राजीव गांधी की हत्या के बाद मुश्किल दिनों में प्रियंका का बहुत साथ दिया। यहीं से प्रियंका और वाड्रा की दोस्ती की शुरुआत होती है। प्रियंका की ही नहीं बल्कि राहुल गांधी से भी उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। प्रियंका और वाड्रा की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और करीब 6 साल तक एक दूसरे को डेट करते हैं। लेकिन जब प्रियंका गांधी के परिवार वालों को पता चला तो इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन प्रियंका ने अपने परिवार वालों को राजी किया और दोनों परिवार की मौजूदगी में साल 1997 में शादी होती है। दिलचस्प बात यह है कि एक का परिवार बिजनेस वाला है तो वहीं दूसरे का परिवार देश में आज़ादी के बाद से कई सालों तक देश का प्रधानमंत्री रहने वाले परिवार का है। बताया ये भी जाता है कि वाड्रा के पापा भी इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन वो भी बाद में आखिरकार अपने बेटे की खुशी के लिए मान ही जाते हैं। अब दोनों का एक बेटी और एक बेटा है। रॉबर्ट वाड्रा बताते हैं कि प्रियंका ही बच्चों और घर की ज़्यादातर जिम्मेदारियाँ संभालती हैं। अब अगर रॉबर्ट की शौक की बात करें तो लग्जरी कारों और बाइक के शौकीन होने के साथ साथ वो फिटनेस का भी बेहद शौक रखते हैं। इसके लिए वो घंटों जिम में एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक और साइकिलिंग करते हैं। इसके अलावा गोल्फ खेलने और फॉर्मूला 1 रेस देखने का शौक रखते हैं। वो अक्सर गोल्फ खेलते हुए देखे जाते हैं। दिसंबर 2011 में रॉबर्ट वाड्रा को एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ने बेस्ट ड्रेस्ड मैन का खिताब दिया था। रॉबर्ट वाड्रा की जिंदगी बहुत ही सुकून के साथ बीत रही थी, लेकिन एक राजनेता के दामाद होने वाले वाड्रा पर कोई आरोप न लगे ऐसा तो संभव ही नहीं। ऐसे ही इनके साथ भी हुआ। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रॉबर्ट वाड्रा पर गड़बड़ी का आरोप लगाया।
साल 2012 में उन्होंने कहा था कि रॉबर्ट वाड्रा ने डीएलएफ से बहुत ही कम रेट पर जमीन और 65 करोड़ का बिना ब्याज का लोन लिया है और इसके बदले डीएलएफ को राजनीतिक फायदे पहुंचाने का वादा किया है। केजरीवाल ने इस मामले में जांच की मांग भी की थी। उस वक्त तक केजरीवाल राजनीति में नहीं आए थे। वहीं डीएलएफ ने भी डील में किसी फायदे को पहुंचाए जाने से इनकार कर दिया था। इस मामले को सुलझाने के कुछ सालों बाद एक केस में इनका नाम खबरों में आने लगा था और ये मामला था ब्रिटिश वर्जिन द्वीप की दो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ। विवादित हथियार कारोबारी संजय भंडारी ने 2016 में ब्रिटिश वर्जिन द्वीप पर इन प्रॉपर्टी की गैरकानूनी खरीद से वाड्रा के जुड़े होने की बात कही थी। भंडारी की खुद भी करीब 35 फर्जी कंपनियों से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के लिए जांच चली और इस मामले में भी इनको क्लीन चिट मिल जाती। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद होने की वजह से मीडिया में ये अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।